Hi guys, assalamu alaikum. My name is Sara. Welcome to my channel. So aaj hamara ye look hai, glowy, natural, fresh, everyday makeup look. Humne istemal kara hai aaj Kryolan ki TV stick ek natural glowy look ke liye. Ye everyday makeup look hai aur jis tarah se main aapko bataungi use karna TV stick, is tarah ka aapka look aayega. Very natural, very glowy aur bilkul bhi cakey nahi. Kryolan TV stick aksar brides ke liye use kiya jata hai ya party makeup ke liye istemal kiya jata hai. लेकिन जिस तरह मैं आपको बताऊंगी मेकअप करना, उससे आपका ये नेचुरल नॉन केकी मेकअप लुक होगा. तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट करा है तो देखते रहिए. तो सबसे पहले मैं क्लेंज करूंगी माइसेलर वाटर के साथ और एक कॉटन पैड. अब मैं इस्तेमाल करूंगी टाचा का सिल्क क्रीम मॉइस्चराइजर. अब हम करेंगे आईब्राउज. आईब्राउज के लिए हमें यूज करना है ये हेयर जेल और एक स्पूली हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक, अब हमारी आईब्राउज सेट हो गई हैं. आप इनको फिंगर से यू प्रेस करके चेक करें. अगर आपका जेल थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो आप इनको फिल करना स्टार्ट करेंगे. अब मैं इस्तेमाल करूंगी ये मीडियम शेड का जो डार्कर कलर है. अभी हम सेंटर पे आएंगे और सेंटर में जरा सा ये एक दो हेयर्स क्रिएट करूंगी और इसको ब्लेंड कर लूंगी. अब हम शुरू करते हैं स्किन. इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी सबसे पहले कलर करेक्टर बाय एलमास्का. इसका ये लाइट सैमन कलर है. हम बहुत ही हल्के हाथ से इसको इस्तेमाल करेंगे, जरा सा सिर्फ अंडर आईज पर. क्योंकि ये नेचुरल और फ्रेश लुक है, ये बहुत अच्छा कलर है. लाइट सैमन यूज करना, अपने रेड या कोई ऑरेंज नहीं इस्तेमाल करना. अब हम स्टार्ट करेंगे बेस. उसके लिए हम यूज करेंगे क्रायलॉन टीवी स्टिक. ये मैं यूज कर रही हूँ नंबर 3W. टीवी स्टिक यूज करना जरा हैवी होता है, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे इसको एक नेचुरल तरह से और मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह करना है. तो पहले आप कलर अप्लाई कर लीजिए. अब मैं ये रियल टेक्निक्स का बफिंग ब्रश इस्तेमाल करूंगी. आप कोई भी इस तरह का डेंस ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं और हम स्मॉल सर्कुलर मोशंस में इस कलर को ब्लेंड करेंगे. इस तरह से आप अगर टीवी स्टिक इस्तेमाल करेंगे तो ये नेचुरल और खूबसूरत लुक आएगा और उसमें बिल्कुल केकीनेस नहीं आएगी. ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये पूरी जगह हर जगह से ब्लेंड होना चाहिए कलर. और से कलर बैक ऑफ द हैंड पे लगाऊंगी. अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करूंगी, थोड़ा सा कलर उठाऊंगी और ये जो अंडर आईज वाला एरिया है उसको मैं जेंटली पैट करूंगी इसमें और बाकी पूरा भी मेकअप मैं इससे ब्लेंड कर लूंगी. तो जो भी एक्सेस होगा वो आपका उतर जाएगा और इससे खूबसूरत ब्लेंडेड इफेक्ट आएगा. जहां आपको लगता है कि आपको कुछ और इस्तेमाल करना है अंडर आईज में, चिन पे, तो आप थोड़ा सा और ऐड करें और अब इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा स्टेप है ब्लश. तो मैं यूज करूंगी RCMA का ब्लश पैलेट. इसमें से मैं यूज करूंगी ये जो पिंक टोन है, इस तरह का ब्लश यूज कर सकते हैं और एक स्टिपलिंग ब्रश के साथ. ये है ज़ोएवा का 122 पेटीट स्टिपलिंग ब्रश. तो ये जो मैं बिल्कुल ब्राइट सा पिंक है ये इस्तेमाल करूंगी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्माइल करके आपने नहीं लगाना है ब्लश. इससे क्या होता है, आप स्माइल करते हैं आपके चीक्स ऊपर आ जाते हैं और जब आप स्माइल नहीं करते तो नीचे आ जाते हैं. तो आपने बिल्कुल सामने देखना है और इस तरह से आपने अपने एप्पल्स ऑफ द चीक पे लगाना है ये कलर. और अब मैं थोड़ा सा ये कलर लूंगी और अक्रॉस द नोज जाऊंगी. अब हम एक ब्यूटी ब्लेंडर जो हमने यूज करा था वो यूज करेंगे और जो एजेस है उसको जरा सा सॉफ्टन कर देंगे. इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं लगा, बस जो है आपने जो फाउंडेशन यूज करा था क्रायलॉन का टीवी स्टिक, वो जो लाइटली इस पे है वही है, बस उसको ब्लेंड करेंगे. ये हमारा ब्लश भी हो गया है. अब
अब इन सबको सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी लोरा मर्सिए का ट्रांसलूसेंट पाउडर और यही कलर ग्लोम है। आपने कोई सा भी ऐसा पाउडर यूज करना है, ट्रांसलूसेंट पाउडर, जिसके अंदर कुछ ग्लो हो। अगर आपके पास ऐसा पाउडर नहीं है तो आप कोई भी व्हाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर थोड़ा सा अपना कोई हाइलाइटर भी मिक्स कर लीजिए ब्रश पे और उसको अप्लाई कर लीजिए। लेकिन ऐसा हाइलाइटर हो जो शिमरी हो और जरा ग्लोई हो, लेकिन उसमें ग्लिटर ना हो, और जरा सा इसमें एक शिमर सा आता है। तो ये मैं पूरी स्किन पे एक ये कौन सा ब्रश है, ये मेरे पास है, ये है एक यूनिकॉर्न लैशेस का ब्रश है। इस पर नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस तरह का एक ब्रश है, सॉफ्ट सा पाउडर ब्रश। वापस से थोड़ा सा और ब्लश को बिल्डअप करेंगे ये फ्रेश ग्लोई लुक देने के लिए। ये एल्फ का ब्लश ब्रश है और मैं इस्तेमाल करूंगी एक ब्लश मेरे पास जो ये है मिलानी का, इसका नाम है बेला बेलिनी और ये इस तरह का कलर है। ये ग्लोई सा हाइलाइटेड रोजी पिंक है और ये मैं इस्तेमाल करूंगी इस लुक के लिए। परफेक्ट है फ्रेश लुक देने के लिए, आपको थोड़ा सा और ग्लो देने के लिए। अब हम आ जाते हैं आईज पर। उसके लिए मैं यूज करूंगी सॉफ्ट ग्लैम पैलेट का शरुआ है। ओह माय गॉड, मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ पैलेट, इसलिए इसका ये हाल हुआ है। मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी ये बर्न्ट ऑरेंज कलर और सिर्फ थोड़ा सा आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी। इस तरह से आपने कलर प्लेस कर देना है, फिर जरा सा आपने इसको टुवर्ड्स द सेंटर ब्लेंड करना है, बहुत ही हल्के हाथ से, बहुत जरा सा कलर। और ये इसी कलर को मैंने नीचे लेके आना है, थोड़ा सा आई शेडो आपकी आंखों को डिमेंशन देगा। अब हम करेंगे टाइट लाइन, ये मैं आपको करना बताती हूँ। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इंटेंस एबनी क्विक लाइनर, ये है इस तरह का पेंसिल आईलाइनर क्लिनिक का, ये मैं इस्तेमाल करूंगी। और इस तरह हमने इसको इस्तेमाल करने लैशेस के नीचे, क्योंकि ये थोड़ा सा एवरीडे फ्रेश लुक है, तो इसलिए हमने इस तरह से लैशेस के नीचे कलर लगाना है। अब मैं जाऊंगी वापस से सॉफ्ट ग्लैम पैलेट में। ये जो डार्क ब्राउन शेड है, इसका नाम है साइप्रस अम्बर, ये मैं इसमें जाऊंगी थोड़ा सा ऑन ए फ्लैट इस तरह का एंगल्ड ब्रश, और बिल्कुल लैशेस के करीब मैं ये सेट कर दूंगी जब हमने भी टाइट लाइन करा है, और थोड़ा सा ये इसमें एक फिनिश्ड लुक आ जाएगा। आप चाहें तो उसको जरा सा विंग भी कर सकते हैं। अब हम वाटर लाइन पे एक लाइट कलर इस्तेमाल करेंगे। मेरे पास रेवोल्यूशन का अमेजिंग इनर आई ब्राइटनर है और ये इस तरह का न्यूड कलर है, ये मैं इस्तेमाल करूंगी अपने वाटर लाइन पर। अगेन एवरीडे लुक के लिए, आपकी आंखों को और फ्रेश और ब्राइट दिखाने के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। अब हम करेंगे लैशेस को कर्ल और हम यूज करेंगे नंबर 7 का मस्कारा। लैशेस कर्ल करने से भी आपकी आंखें और बड़ी और ब्राइट लगेंगी। तो ये अब हो गया हमारा आई मेकअप कंप्लीट, वेरी सिंपल वेरी इजी। अब हम करेंगे हाईलाइट। मैं यूज कर रही हूँ रेवोल्यूशन का रॉक्सी कोलैबोरेशन पैलेट, ये है कॉन्ट्रोन हाईलाइट पैलेट। इसके अंदर ये एक बहुत खूबसूरत गोल्ड कलर है, ये मैं यूज करूंगी हाईलाइट करने के लिए। मैं एक छोटा ब्रश इस्तेमाल करूंगी अभी ये। मेरे पास है ज़ोएवा का पेटीट फैन ब्रश, इसी कलर को मैं लूंगी और ये आईब्राउज के नीचे से लगाऊंगी थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स में, और थोड़ा सा नोज पर।
क्योंकि क्राइलॉन का फाउंडेशन स्टिक जरा कभी कभी ऑयली हो जाता है, हम इसको एक और फिर से जरा सा सेट करेंगे। अब हम करेंगे स्पॉट सेटिंग। इसका मतलब है कि मैं एक फाउंडेशन पाउडर इस्तेमाल करूंगी। ये मेरे पास शार्लेट टिलबरी का है एयरब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन पाउडर, इसका नंबर है 2। इस तरह से मैं एक छोटा सा आई शैडो ब्रश लूंगी। अब मैं करूंगी स्पॉट सेटिंग। यहाँ इस एरिया में ज्यादा ऑयली नहीं लगना चाहिए, तो ये अराउंड द नोज, आंखों के नीचे, जरा सा या मिडल फोरहेड पर। तो जैसे कभी कभी हम अक्सर स्पॉट हाइलाइटिंग करते हैं कि बिल्कुल जरा सा पूरा मैट मेकअप के ऊपर जरा सा हाईलाइट कर दिया, ये ऑपोजिट है कि आपने पूरा फेस को ग्लोई लुक देना है और जगह जगह जहां आपको ऑयलीनेस नहीं चाहिए वहां पे पाउडर फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे लिप्स। उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगी शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉक लिप चीट पेंसिल। ये इस तरह का नेचुरल सा पिंक कलर है, तो ये मैं इस्तेमाल करूंगी अपनी लिप्स को लाइन और फिल करने के लिए। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये कैंडी स्लिक लिप कलर है निक्स का। ये एक ग्लॉसी सा कलर है, इसको मैं फिंगर से अप्लाई करूंगी, डायरेक्टली नहीं, जस्ट थोड़ा सा ग्लो देने के लिए। इस तरह का शेड है ये। तो ये हो गया है हमारा फ्रेश एवरीडे मेकअप लुक जो हमने किया है टीवी। ये हो गया है हमारा रेडी। ये हो गया है तो ये हो गया है हमारा लुक आज का कंप्लीट। हमने इस्तेमाल करा है क्राइलॉन की टीवी स्टिक एक नेचुरल एवरीडे फ्रेश ग्लोई लुक के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ये छोटी सी घंटी जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अपलोड करूँ एक वीडियो तो आपको उसकी इत्तला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।